नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। सभी को सबसे पहले तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान राम हम सभी पे कृपा बनाए रखे और आप सभी पढ़ाई में या जो भी कर रहे हो आप उसको सक्सेस आपको मिले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले देखो कितनी अच्छी गुड न्यूज आ रही है। मैंने कल की शाम की लाइव में भी आपको बताया था कि चांसेस हैं आज की डेट में भी छात्रवृत्ति आने के। ज़्यादा चांसेस नहीं थे लेकिन छात्रवृत्ति आना शुरू हो गई है। कौन से छात्रों की आ रही है मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट प्रूफ दिखाऊंगा आपको ताकि समझ में आए किस कैटेगरी की आ रही है, कौन से कोर्स वालों की आ रही है। वो सारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। जिनका नहीं आया उनको क्या करना होगा वो भी देख लीजिएगा। तो सारी चीज़ें वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर सटीक सही जानकारी पानी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए एक छात्र का 30 मार्च को आप लोग देख सकते हैं 12,360 रुपए। ये देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो 30 मार्च को क्रेडिट हुआ है। SBI का अकाउंट है और ये MA सेकेंड ईयर OBC कैटेगरी के छात्र हैं। देखो MA सेकेंड ईयर OBC कैटेगरी। अब देखो OBC वाले बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा था कल शाम में भी कि OBC का पैसा नहीं आ रहा है। सो आपके मन में ये धारणा बन गई कि OBC का नहीं आ रहा, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे अभी आपको इस वीडियो में भी प्रूफ दिखाऊंगा, कल भी OBC का पैसा आया है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया। अगर आपका नहीं आया इसका ये मतलब नहीं किसी का नहीं आया। पैसा आ रहा है, OBC का भी आ रहा है, पर ये बोल सकते हो कि हाँ कम लोगों का आ रहा है, ये नहीं बोल सकते हो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो एक देख लिया आपने। दूसरा देख लीजिए, ये भी यहाँ पर एक छात्र का 56,600 जनरल कैटेगरी छात्र हैं BTech के। इनका 30 मार्च, यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हो, योनो SBI चेक करोगे तो आप ऐसा दिखता है। तो 30 मार्च की डेट में 56,600 क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। PFMS के प्रणाली के माध्यम से जो पैसा भेजा गया है यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो। तो 30 मार्च की डेट में इनका भी पैसा आया। और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक और छात्र है BTech के OBC कैटेगरी छात्र हैं। OBC का आप लोग बोल रहे थे तो OBC का इनका देख लीजिए 53,300 रुपए जो है कि 30 मार्च की डेट में आया हुआ है। बैंक भी देख सकते हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में इनका आया हुआ है। तो ये भी OBC कैटेगरी और इनका कोर्स कौन सा है, BTech के छात्र हैं। तो इनका भी देख लीजिए अमाउंट यहां पर 30 मार्च की डेट में यानी कि आज की डेट में क्रेडिट हुआ है। ये देख लिया आपने 10:45 पर हुआ है। अगला देख लीजिए उसी तरह से एक छात्र है, देखिए DDU कोई यूनिवर्सिटी है, उनके छात्र OBC कैटेगरी के, इनका भी 30 मार्च यानी आज की डेट में 24,240 रुपए क्रेडिट हुआ है खाते में। ये भी आप लोग यहां से देख सकते हो। सो फंड आना शुरू हो गया है, अच्छी बात है, काफी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, एक सवाल हो गया था ना मन में कि आज रामनवमी है तो अगर आज नहीं देंगे तो कल की डेट में कैसे देंगे, तो थोड़ा आप लोग के मन में डाउट था। चलो वो खत्म हो गया कम से कम, कि आज भी भेज रहे हैं कल तो भेजेंगे, कल तो फुल वर्किंग डे है तो मैक्सिमम लोगों का आज भी आ जाएगा। जिनका आज नहीं आएगा उनका कल की डेट में आ जाएगा। और आपको स्क्रीनशॉट कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये जनरल कैटेगरी के छात्र हैं BTech के, इनका 56,600 रुपये आया हुआ है, ये भी देख सकते हो 30 मार्च की डेट में। आप ये मैसेज देख सकते हो ट्रू कॉलर की तरफ से, वो जो पॉपअप आता है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो 56,600 रुपये। तारीख भी देख सकते हो कि 30 मार्च की डेट में यानी आज की डेट में जनरल कैटेगरी के छात्र हैं BTech के, तो इनका भी पैसा आ गया है। और देख लीजिए यहाँ पर ये मैं कमेंट में इनसे मैंने प्रूफ मांगा है, आपको अगली वीडियो में इनका प्रूफ देखने को मिल जाएगा। इनका स्कॉलरशिप 36,000 रुपये आज आ गया। देखो लिखा ही हुआ है BEd सेकेंड ईयर OBC कैटेगरी, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जितने प्रूफ दिखाया उसमें एक जनरल था, बाकी सारे OBC कैटेगरी के आपको देखने को मिल रहे हैं। सो देखो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। जैसे जनरली अभी क्या हो रहा है, अभी तक पैटर्न कैसा चला है, 25 तारीख को सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी का पैसा भेजा गया, 26-27 को किसी को नहीं भेजा गया, 28 तारीख को SC वालों की सेकेंड इंस्टॉलमेंट भेजी गई थी, उसके बाद 29 तारीख कल की डेट में जनरल की सबसे ज़्यादा भेजी गई थी, OBC की थोड़ी कम और SC की भी भेजी गई थी। और आज क्या हो रहा है, आज OBC की ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ, OBC के छात्रों की भेजी जा रही है छात्रवृत्ति, ये BEd सेकेंड ईयर OBC के थे। और प्रूफ देख लीजिए, ये भी देख लीजिए OBC कैटेगरी के छात्र हैं, इनका BEd के छात्र हैं। 30 मार्च को 31,360 रुपये जो है कि क्रेडिट किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 31,360 30 मार्च को क्रेडिट हुआ है। SBI इनका अकाउंट है, OBC कैटेगरी के छात्र हैं BEd के। तो ये भी आपने एक और प्रूफ देख लिया। और कुछ प्रूफ दिखाया था आपको, यहाँ पर देखिए डी फार्मा के छात्र हैं OBC कैटेगरी के, इनका 30 मार्च की डेट में आज की डेट में कितना आया है, 23,600 रुपये डी फार्मा OBC। तो ये सारे हो गए, आपको जो डाउट था कि OBC वालों का नहीं आ रहा है तो वो तो आपके अब मन में हट गया होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, आ रहा है, सभी का आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। अब देखो जिनका नहीं आ रहा अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग थोड़ा पैनिक ना करें, आपका भी पैसा आ जाएगा, सबका आ रहा है तो आपका भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब बस ये थोड़ा सा इसमें लक फैक्टर भी होता है, आप देख ही रहो, रैंडम भेज रहे हैं, किसी को ज़्यादा परसेंटेज पर भी नहीं आया, किसी का उसी क्लास में कम परसेंटेज भी आया, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। थोड़ा सा वो तो लगता ही है कि भाई सबका आ रहा है मेरा नहीं आ रहा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आज शाम तक भी आपको मिल जाएगा। कल रात में 9-10 बजे तक छात्रवृत्ति भेजी गई है, तो आज भी ऐसा ही होगा। अगर अभी शुरुआत जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10-11 बजे
के बाद, 10:30 बजे के बाद पैसा भेजा गया है, 11 बजे के बाद, तो रात में 9 बजे तक आज भी पैसा भेजा जाएगा। तो जिनका नहीं आया है वो लोग आज उम्मीद रखना। और दो तीन चीजें और यहाँ पर मैं बता दूंगा, सरकारी जॉब फाइंड यहाँ पर आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी, आप बस आपको इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर देखिए आपको सारे स्टेटस, एडमिट कार्ड जो नए होते हैं, जॉब वैकेंसी वो तो दिखेंगे ही, यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना हो गया, PFMS पे आपको देखना हो गया पैसा का क्या आपका सीन है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जिनको भी कोई दिक्कतें आ रही हो, जैसा मैंने तरीका बताया, इस तरह से आप लोग ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। देखो करना क्या है आपको, आपको PFMS पे तो चेक करना है, वहां पे देखो अगर वहां पे नो रिकॉर्ड दिखा रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं है। मेन आपको चेक कहां करना है, देखो सबसे पहले आपको आधार सीडिंग चेक करनी है अपनी, आपको ऑनलाइन आधार सीडिंग देखनी है अपने, मैक्सिमम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है वहां पे जिस बैंक का नाम आ रहा है। देखो होता क्या, मान लो आप एक, आपके पास 3 बैंक अकाउंट है और आपने छात्रवृत्ति में कोई और भरा, मान लो SBI भरा हुआ, आपके पास यूनियन भी है, यूको भी है, ऐसा है, आप आधार सेटिंग चेक करो वेबसाइट पे जाके, वहां पे लिख के आ रहा है यूको बैंक और आपने फॉर्म भरा SBI, तो आपको पैसा किस में देखना है, आपको पैसा यूको में देखना है, SBI में नहीं देखना है। जिस खाते में आपका ऑनलाइन आधार सेटिंग दिखा रहा है आपको उसी खाते का, कई बार क्या हो रहा है बैंक का मैसेज नहीं आ रहा, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका बैंक का मैसेज नहीं आ रहा है, आपको क्या करना, अपना बैंक बैलेंस की इंक्वायरी बैंक से करनी है या फिर बैंक स्टेटमेंट निकालना है या फिर UPI के थ्रू चेक करना है, मैसेज का वेट ना करें, जैसा मैंने तरीका बताया ऐसे चेक करना है। तो आज शाम तक हम लोग उम्मीद रखेंगे, देखो बहुत लोगों की आ जाएगी, जिनकी नहीं आ रही जैसे माइनॉरिटी की, अभी मैं एक भी नहीं देख पा रहा हूँ, माइनॉरिटी की सिर्फ 25 तारीख को भेजी गई थी, उसके बाद नहीं भेजी गई है, तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है। आज अगर दूसरे हाफ में नहीं भी आती है तो कल तो लास्ट डेट ही है, तो 31 मार्च लास्ट डेट है, तो कल तो आपको फंड भेज ही दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी एक दो केस आ रहा है जिनका पैसा एक्चुअली कल की डेट में भेजा गया था लेकिन बैंक से आज मैसेज आ रहा है और आज की डेट मतलब दिखा रहा है, तो ऐसा भी केस हो सकता है। अगर कल रात में भी नहीं आता तो हो सकता है 1 अप्रैल को आपको बैंक का मैसेज देखने को मिल सकता है। सो चलिए गाइज, उम्मीद रखते हैं आप सभी की छात्रवृत्ति आ जाए, जिनकी आ रही है वो लोग अपने प्रूफ और स्क्रीनशॉट ये सारी चीज़ें मेरी Instagram ID its_sk8 इस पर भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या टेलीग्राम चैट ग्रुप में भेज सकते हो, या कमेंट्स में भी आप प्रॉपर समझा के लिख सकते हो, दूसरों की हेल्प हो जाएगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।